सुदामा जी कौन हैं? गोविंद के अत्यंत घनिष्ठ मित्र, दैतस सखा, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, इंद्रियों के विषयों से सर्वथा विरक्त रहने वाले हैं, विषम से विषम जीवन की परिस्थितियों में भी हमेशा प्रसन्न रहने वाले हैं और परम जितेंद्रिय है। ये विशेषण सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए बताए हैं। किंतु जब उनकी पत्नी का परिचय देने लगे तो बोले परम पतिव्रता हैं देवी सुनीता, सुशीला। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला है, पतिव्रता है, पर बिचारी बहुत दरिद्र है। सुशीला बिचारी को एक विशेषण दिया और वो भी काय का, दरिद्रता का। सुशीला बिचारी दरिद्र क्यों है? अरे भाई, पतिदेव डॉक्टर बन जाएं तो भले ही पढ़ी लिखी बिल्कुल ना हो, पर देवी जी डॉक्टर नहीं कहलाने लगते हैं। तो पति के प्रभाव से पत्नी का प्रभाव तो अपने आप बढ़ जाता है। तो सुदामा को इतना सुंदर सुंदर विशेषण देने के बाद सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव महाप्रभु की दृष्टि में दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः, एकादश में स्पष्ट किया है, दरिद्र वह है जो जीवन में असंतुष्ट रहता है, जिसके जीवन में कभी संतोष नहीं। इतना मिल गया, बस इतना और आ जाए तो चकाचक हो जाए, और उसकी कोई सीमा नहीं कि कितना, भाई कोई सीमा हो कि बस यहां तक ना। आज आपको लगता है कि बस यहां तक हो जाएगी, जब वहां तक पहुंचेंगे तो फिर बस वहां तक, उसका कोई अंत नहीं। आकाश अनंत है, पक्षी कितना भी उड़ जाए उसको कभी उसका छोर नहीं मिलता, ऐसी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। तो जिसके भीतर तृष्णा बैठी है वो महादरिद्री है, हमेशा दरिद्र ही रहेगा, रोता ही रहेगा। तो सुदामा जी के मन में संसार की कोई कामना नहीं, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, इसलिए उनके बड़े दिव्य शब्दों में परिचय दिया। पर सुशीला में थोड़ी धन की इच्छा है, इसलिए सुशीला को दरिद्र कह दिया। भगवान को लगा ये सुदामा निरंतर मेरे भजन ध्यान में ही मस्त रहता है, दुनिया की तो उसकी कोई चिंता है नहीं, इसे अपने घर परिवार की, और मेरा कर्तव्य है, मेरा वचन है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परियुपासते तेसां मिथ्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य होकर के मेरा चिंतन करता है, मेरे अलावा जिसका संसार में कोई नहीं, तो फिर उसकी अनन्य अपने भक्त की सारी जिम्मेवारी मैं निभाता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का मतलब अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने को कहते हैं योग, और प्राप्त वस्तु की रक्षा करने का नाम है क्षेम। जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारी आवश्यक वस्तुओं को तुम्हें ला करके दूंगा, और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा, उसको कहते हैं योगक्षेम। तो भगवान को लगा सुदामा तो मेरे भरोसे मस्त है, निश्चिंत है, तो इसकी जिम्मेवारी मुझे निभानी चाहिए। तो एक साधु का भेष बना करके भगवान ही पहुंच गए द्वार पर, भिक्षां देही, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। भगवान बोले ओहो, समझ गया, तुम्हारे घर में दारिद्र पैदा हो गया है, इतना दारिद्र के तुम कुछ भी नहीं दे सकते किसी को। हाँ महाराज, पर ये तो मैंने सुना है सुदामा जी का घर है। अच्छा महाराज, आप मेरे मालिक को जानते हो?
हाँ मैं तब से जानता हूं देवी, जब से वो सांदीपनी महाराज के यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में, श्री कृष्ण के साथ जब पढ़ते थे ना, तब से मैं उन्हें जानता हूं। सुन करके आंखें फटी रह गईं सुशीला की। क्या कह रहे हैं आप? मेरे मालिक, मेरे स्वामी द्वारकानाथ श्री कृष्ण के साथ पढ़ते थे? बोले हाँ हाँ। क्यों, तुम्हें कभी बताया नहीं? नहीं नहीं महाराज, मुझे तो उन्होंने कभी नहीं बताया, शायद प्रसंग नहीं चला होगा। मेरी बात मानो, एक बार पूछ के देखो, सिर्फ पूछना ही मत, मेरी बात मान लो, एक बार जैसे बने तैसे अपने स्वामी को उन द्वारकानाथ के दरबार में भेज दो, सारा दारिद्र दूर हो जाएगा। ऐसा कहके भगवान तो अंतर्धान। सुशीला हैरान, क्या विचित्र स्वभाव मेरे स्वामी जी का, ये द्वारकानाथ कृष्ण के मित्र और आज तक मुझे बताया तक नहीं, कितना विचित्र वैराग्य है। जरा देखिए, मुख्यमंत्री जी आपके सहपाठी रहे होते और ये बात किसी से आप न कहें, ऐसा कभी संभव हो सकता था? असंभव। प्रसंग न भी चल रहा हो तो घुमा फिरा के आप प्रसंग ला करके ये बात अवश्य बताने की चेष्टा करोगे कि वो हमारा सहपाठी है। हर व्यक्ति महान व्यक्तित्व के साथ अपना नाम जोड़ के गौरवान्वित होना चाहता है, पर सुदामा जी को किसी से कुछ न लेना न देना, कोई चर्चा किसी से, अरे जब पत्नी से ही नहीं बताया कभी तो और किसी से क्या बताते। सुशीला ने आज कौतुक बस पूछ दिया, ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। स्वामी कृपा करके ये बताओ, क्या द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं? सुदामा जी सुन के चौंक गए। अरे सुशीला, तुझे किसने बताया? बोले किसी ने भी बताया हो, पहले ये बताओ बात सच है कि नहीं। तो बोले देवी, बात तो सच है। बोले धन्य हो प्रभु, इतनी बड़ी बात आप मेरे को भी नहीं बताए आज तक। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब मेरा निवेदन है कि कैसे भी करके एक बार आप अपने सखा द्वारकानाथ कृष्ण का दर्शन करे आइए, एक बार उनसे मिले आइए, क्योंकि ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। सुना है श्री कृष्ण ब्रह्मण्य है, ब्रह्मण्य का मतलब ब्राह्मणों के अनन्य भक्त। सिर पर ब्राह्मण भक्ति ही नहीं है, शरण्यस्य, शरण्य माने शरणागत वत्सल। एक बार जो भी उनकी शरण में चला जाए उसका हर मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि एक बार आप चले जाएं उनकी शरण में कह लो, या अपने सखा से मिलने के लिए कह लो, किसी भी प्रयोजन से बस एक बार दर्शन करे। हरि सुशीला, मुझे जाने में बस एक ही संकोच लगता है कि कोई ये न समझ बैठे कि ये जन्म का दरिद्री सुदामा श्री कृष्ण से शायद इसलिए मित्रता किया होगा कि भविष्य में काम आएगा। भाई धनवान से मैत्री के कई उद्देश्य हो सकते हैं, मैं एकदम दीनहीन गरीब ब्राह्मण और वो साक्षात श्रीपति है, द्वारकानाथ है, और इतने वर्षों के बाद उससे मिलने जाने का अर्थ कोई ये ना निकाले कि जन्म का दरिद्री था, भूखों मर रहा था, इसलिए मित्रता का लाभ लेने पहुंच गया। सुशीला बोली, एक बात बताओ, दुनिया क्या कहेगी उसकी चिंता तो तुम्हें है, पर अपने बचपन का इतना पुराना मित्र, घनिष्ठ मित्र, इतने वर्षों के बाद तुम्हें मिलेगा, उसके आनंद का लाभ लेना नहीं चाहेंगे आप?
बोले देवी जब उसकी याद आती है मेरा तो हृदय उमंगता है, उमड़ता है उसे मिलने के लिए, पर इस संकोच में भय में मैं रह जाता हूं। बोले महाराज संकोच त्यागिए, संसार क्या सोचेगा सोचने दीजिए, इस समय तो आप नयनों का लाभ उठाइए और अपने सखा के दर्शन करके आइए। जब दर्शन पर जोर दिया तो सुदामा जी और गदगद हो गए। देवी मेरे मन में तो एक ही भाव है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। बहुत वर्षों के बाद अपने प्यारे सखा का दर्शन पाऊंगा, कितना आनंद आएगा जब हम बचपन के मित्र इतने वर्षों के बाद मिलेंगे। तो बहुत इच्छा, बड़ी प्रबल इच्छा है मेरी दर्शन करने की, अपने सखा से मिलने की। तो फिर देर किस बात की महाराज, सुबह से शीघ्रम जल्दी तैयारी करो, फटाफट चल पड़ो। बोले सुशीला तू कह रही है तो चल, मैं अभी निकलता हूं, पर एक बात तो बता, वो राजा है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जाऊंगा, बचपन का मित्र है और साथ में द्वारकाधीश है, तो कुछ तो भाई भेंट लेके जाना चाहिए, इतनी दूर से जाऊंगा, इतने दिनों के बाद जाऊंगा। सुशीला बोली तो उसकी चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करती हूं, कहीं से भी कुछ भी आपके भेंट की व्यवस्था कर दूंगी। तुरंत चली और या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायन। चार ब्राह्मणों के घर जा करके याचना करके मांग करके एक एक मुट्ठी चावल ले आई। चार घर से एक एक मुट्ठी चावल मिले तो अब सुशीला को पूरा घर छानने में लग गया, चार मुट्ठी चावल को कैसे भेजूं, चावल तो मिल गए, अपने धोती के एक छोर में मांग लाई, पर पूरा घर छान मारा, इतना कपड़ा वस्त्र टुकड़ा नहीं मिला जिसमें चार मुट्ठी चावल की पोटली बन जाए। इसी से कल्पना कीजिए कि घर की क्या स्थिति रही होगी। चार चार पांच पांच दिन तक चूल्हा नहीं जलता, अन्य देवता के दर्शन नहीं होते, तो तुलसी से जलपान करके कहते हैं चलो ठाकुर जी की जैसी मर्जी। सुशीला जब चकाचक भोजन मिल जाता है तो फिर भजन नहीं होता, ठाकुर जी की इच्छा है आज भी खूब भजन करो, तुलसी दल ग्रहण करके ही भगवत भजन में बैठ जाते हैं। ये सुदामा जी का अद्भुत त्याग, अद्भुत वैराग्य। देखिए एक सन्यासी, एक विरक्त महात्मा भूखा सो सकता है, नहीं मिला जैसी हरी इच्छा, पर एक गृहस्थ को भूखा सोना बहुत कठिन होता है, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति अकेला भूखा सो जाए पर उसकी पत्नी है, पुत्र है। कोई भी गृहस्थ अपने पुत्र को कभी सोता भूखा नहीं सुला सकता, पर सुदामा जी ऐसे विरक्त हैं, सदगृहस्थ होने पर भी महान विरक्त, इन दोनों का समन्वय में बहुत कठिन है। जैसे तैसे एक बहुत जीर्ण सीर्ण फटी पुरानी धोती मिल गई तो सुशीला ने उसी को वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा, हजारों छिद्र थे उस धोती में, अत्यंत जीर्ण थी, तो वस्त्र के नीचे वस्त्र लगा के उसके सारे छिद्रों को जैसे तैसे छुपा करके ढक करके उसने चार मुट्ठी चावल की पोटली बांध दी और कहा महाराज यही तुच्छ भेंट अपने सखा को मिलते समय दे देना। सुदामा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो जोई राम जोई राम, जो है वही ठीक। पोटली ली और जैसी चलने लगे तो सुशीला ने कहा महाराज जब भी आप ये भेंट दो तो मौका मिले तो मेरा एक छोटा सा संदेशा कह देना। सुशीला जानती है ये महान त्यागी हैं, विरक्त हैं, कुछ भी नहीं कहने वाले, संकोची स्वभाव के, जाने में ही जब इनको इतना संकोच लग रहा है तो मांगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, तो उन्हें कैसे पता चले, वैसे तो वो अंतर्यामी है सब जानते ही होंगे, फिर भी कुछ तो कहना चाहिए। सुशीला ने कहा बस मेरी तरफ से एक संदेश कहना है। क्या? एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होई
सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोर। थोड़े से शब्दों में अपना संदेश सुना दिया कि हे प्रभु, आपके सभी भक्त वैष्णव महीने में दो बार एकादशी का व्रत रखा करते हैं, पर मेरे ऊपर तो प्रभु आपकी ऐसी कृपा है कि लगभग 12 मास एकादशी ही रहती है। तो इसमें दो बात है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, कोई शिकायत नहीं है आपसे, परंतु इस शब्द में अपनी घर की स्थिति भी प्रकट कर दी। थोड़े से शब्दों में उसने, सुशीला ने सब कुछ कह दिया। सुदामा जी बोले, अच्छा ठीक है, मौका मिला तो तेरा भी संदेश कह दूंगा। कह करके बगल में कोटी दबा करके सुदामा जी महाराज चल पड़े। चलते चलते थक गए, सोचा कहीं चल के विश्राम कर लें। तो नितांत एकांत में शांत एक वृक्ष के नीचे जा करके थोड़ी देर विश्राम हेतु सो गए। भगवान का नियम है, जो तू पा आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ 100, तो मैं लोहे की लाठ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है बड़े अनुराग से, बड़े भाव से, तो मार्ग बहुत लंबा है, कुछ मैं करूं। तो प्रभु ने ऐसी लीला करी कि सोते सोते सुदामा जी को अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से द्वारका में लाके ही सुला दिया। जब निद्रा भंग भई तो सुदामा जी एकदम हड़बड़ा के खड़े हो गए और महलों को देखकर, अट्टालिकाओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। आंखें फाड़ के चारों तरफ देख रहे। एक राहगीर आया तो पूछ दिया, भैया जी एक निवेदन करूं? हाँ हाँ बोली बोली, कृपा करके बता दो, हम जग रहे हैं कि सो रहे हैं? ये तो बड़ी विचित्र बात पूछी आपने, ऐसा प्रश्न करता पहली बार मिला हमें, आपको नहीं मालूम? सुदामा जी बोले, हम कोई परिहास ना कर रहे, हम सच्ची सच्ची बोल रहे हैं। हमें जहां तक पक्को ध्यान है कि हम काऊ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, अब हमारी आंख खुली है तो हमें ये बड़े बड़े महल दिख रहे हैं, तो हमें ये विश्वास ना हो रहा है कि हम सपनों देख रहे हैं कि जागृत में हैं। ये महल कहां से आए गए? अरे बाबा आपको भ्रम हो गया होगा, ये बताओ आप, आपको जाना कहां? आप अच्छे भले जाग रहे हो, स्वस्थ खड़े हो, जाना कहां है ये बताओ। बोले, भैया हम द्वारका के लिए निकले हैं। बता सकते हैं आप यहां से द्वारका कितनी दूर? बोले, वाह महाराज, द्वारका के बीच खड़े हो और द्वारका को पतो पूछ रहे हो, भांग पी के तो ना निकले घर से। अच्छा ये बताओ, द्वारका में तुम्हें कहां जाना है, किसके पास? बोले, भैया द्वारका में हम अपने मित्र से मिलवे आए हैं। कौन मित्र, नाम क्या है? अतः पता तो कुछ बताओ, ऐसे कोई क्या बताएगा भाई, कौन है तुम्हारे मित्र? बोले, मेरा मित्र है कन्हैया। कन्हैया? कन्हैया कौन? अरे पूरा पता बताइए महाराज, सेक्टर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, मकान नंबर क्या है, पूरा पता होना चाहिए, ऐसे कौन बताएगा कन्हैया? बोले, देख भाई, वो मेरा बचपन को मित्र है, इसलिए मैं वासे प्यार में कन्हैया कन्हैया कहूं। वैसे तो वो यहाँ को बहुत बड़ो राजा है, पूरा नाम है श्री कृष्णचंद्र। जो कृष्णचंद्र नाम सुना तो राहगीर तो आंखें फाड़ के देखता रह गया। ए बाबा तुम किसका नाम ले रहे हो? पता है जिनका नाम ले रहे हो वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, राजा धीराज हैं, उनका नाम ऐसे नहीं बोल लिया जाता। तो कैसे नाम लियो जाए भैया, तुम बता दे। बोले, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज द्वारका नाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलो। सुदामा जी की तो धड़कन तेज हो गई, ये तो बड़ो लम्बो चौड़ो नाम बता दियो, याने याद ही ना कर सकूं। तो अच्छा अच्छा भैया ठीक है श्रीमान, अब कृपा करके ये तो बता दोगे वो तुम्हारे महाराजा धीराज कहाँ मिलेंगे हमें? अरे बाबा, ये जितने भी ऊंचे ऊंचे भवन हैं सब उन्हीं के तो हैं, हजारों महल हैं उनके, किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, कोई भी तुम्हें उनका मार्ग बता देगा, चले जाओ किसी से भी पूछ लो।
धन्यवाद भैया। अब सुदामा जी बड़े धन संकट में पड़ गए भैया, जब हजारों महल हैं तो या समय वो कौन से महल में होएगा यही ढूंढो, हमें भारी पड़ जाएगा। चलो जब आए हैं तो हम मिलके तो जाएंगे, कहीं भी मिले। हिम्मत करके साहस बटोर करके रुक्मिणी के महल में घुस गए। सबसे प्रथम दिव्य भव्य भवन रुक्मिणी का ही था, बड़ा सुंदर। जैसे ही भवन में प्रवेश किया, द्वारपालों ने निवेदन किया, आइए आइए। विप्रवर, कहां से शुभागमन हुआ, कैसे आना हुआ? बोले भैया, अपने महाराज से जाके बस इतना बताए दे कि तेरे बचपन के मित्र सुदामा मिलवे आए हैं। क्या कहा ब्राह्मण देव, आप हमारे महाराज के मित्र हो? हाँ हाँ भैया, बचपन के मित्र है। ओ हो, विराजिए विराजिए महाराज। सुदामा जी को आदर पूर्वक बैठा के द्वारपाल दौड़ा दौड़ा भीतर गया, प्रभु को प्रणाम किया और बोला, सरकार इस दास को इस दरबार में सेवा करते बहुत समय बीत गया। आए दिन कोई ना कोई विभूतियां इस दरबार में आती हैं, हम आपसे मिलवाते हैं, परंतु आज जैसी विभूति हमने आज तक नहीं देखी। क्यों, ऐसा कौन है भाई? है तो कोई ब्राह्मण महाराज, आपको अपना सखा भी बता रहा है, मित्र, पर वेशभूषा बड़ी विचित्र। क्या वेशभूषा है और क्या नाम है? बोले, शीश पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी से लटी दोपटी, और उपाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम कान में पड़ा, भगवान द्वारकानाथ तो रोमांचित हो गए। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान सिंहासन से कूद पड़े, इतने वेग से दौड़े कि सारी सभा में हड़कंप मच गया। सभासद कानाफूसी करने लगे, राम राम, ये कौन महान विभूति आ गई जिसका नाम सुनते ही सरकार भाग गए? अरे अरे, बड़े से बड़े महापुरुष आते हैं तो प्रभु हमको आदेश देते हैं कि जाओ आदर पूर्वक उन्हें लेके आओ, पर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि स्वयं उसके स्वागत में भागे चले गए हों। अरे उनका तो पीतांबर गिर गया, पादुका भी नहीं पहन पाए, निरावरण चरणों से भागे चले गए। लगता है कोई विशिष्ट विभूति का पदार्पण दरबार में होने वाला है, चलो स्वागत की तैयारी करते हैं। सारी सभा स्वागत में सावधान, और भगवान दौड़े भागे मुख्य द्वार सात जोड़ी पार पहुंचे, जहां पर एक कोने में लाठी लिए सुदामा जी खड़े खड़े मन ही मन घबरा रहे हैं। इतने वर्षन के बाद नाम सुनो होएगो, भगवान जाने याद भी होएगो कि नहीं, नाम याद भी आए तो वो पहचान पाएगो कि नहीं, अनेक तर्क वितर्क मन में चल रहे हैं। पर जैसे ही द्वारकानाथ की दृष्टि सुदामा जी से पड़ी, तो दौड़ करके भगवान ने लपक करके सुदामा जी को भुजा पास में बांध लिया। बोल द्वारकाधीश की जय, दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र इतने आनंद से भर करके एक दूसरे के कंठे लगे कि दोनों ही अपनी सुध बुध भूल गए, दोनों ही रोमांचित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, दोनों के ही नेत्र सजल हो गए। भगवान को थोड़ी देर में ध्यान आया कि भावुकता में अपने सखा को मैंने जोर से कस करके हृदय से लगा लिया, और मेरा मित्र बहुत कमजोर है, कृशकाय है, कहीं अत्यंत हर्षातिरेक में मैंने उसको कस करके हृदय से लगा लिया तो कहीं चोट न लग जाए, तो उसे कष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान सावधान हो गए और उनकी पकड़ शिथिल हो गई। तो सुदामा जी को भी लगने लगा, अरे राम राम, मैंने कन्हैया को इतनी जोर से पकड़ के जकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, और मेरी एक एक हड्डियां निकल रही हैं, कन्हैया के कोमल अंग में कितनी चुभ रही होंगी। ये सोच करके सुदामा जी का भी बंधन थोड़ा शिथिल हुआ।
दोनों मित्र इतने आनंद में भरे हैं कि कोई किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा। आनंद में कंठ अवरुद्ध है, नेत्र सजल हैं। तो भगवान हाथ पकड़ के अंतःपुर की ओर, पहले तो सभा की ओर लाए। सुदामा जी सभा की उस दिव्यता भव्यता का जब दर्शन किए तो आंखें फाड़ के सब देखते रह गए। और सभासदों ने जब सुदामा जी का स्वरूप दर्शन किया तो सबकी आंखें आश्चर्य में फटी रह गई। यही वह विभूति है जिसके लिए हमारे महाराज इतने वेग से भाग करके गए, क्योंकि जिस ढंग से भगवान दौड़े थे उसे देखकर सभी सभासदों के भीतर एक कौतुक पैदा हो गया कि आने वाला वो कौन होगा और कैसा होगा। पर ऐसा होगा ये किसी की कल्पना नहीं थी। पैरों में जूते चप्पल नहीं, सिर पर पगड़ी नहीं, तन पर कपड़े नहीं, कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर में सिर्फ एक धोती है जो आधी नीचे से लिपटी है और आधी को ऊपर से लपेट रखा है। उस एक धोती में ही संपूर्ण शरीर को छुपा रखा है। और ऐसे उस अकिंचन सुदामा को हाथ पकड़ के भगवान ने बड़े आदर के साथ अग्रजों अपने अग्रज की भांति बड़े सम्मान पूर्वक अपने निज सिंहासन पर लाके विराजमान कर दिया। सुदामा जी तो संकोच में गड़ गए। इतना विशाल सभागार, इतने बड़े बड़े सभापति सब सभा सद बैठे हुए हैं और उसमें दिव्य सिंहासन पर सुदामा जी को भगवान बैठा रहे हैं। सुदामा जी बहुत संकेत देते, भैया कन्हैया रहने दे, हमारे बस की बात ना, इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठो। परंतु भगवान आग्रह पूर्वक जबरदस्ती सुदामा जी को बैठा। रुक्मणी आंखें फाड़ के देख रही थी कि ये कौन आ गया भाई। भगवान ने रुक्मणी को आंखों से इशारा किया, शीघ्र जाओ और चरण प्रक्षालन हेतु जल लेके आओ। रुक्मणी हड़बड़ा गई, पानी लेने के लिए भीतर भागी गई। मन में समझ गई कि हो ना हो ये विभूति है कोई जबरदस्त, क्योंकि आज तक प्रभु ने मुझे ये ऐसी आज्ञा कभी नहीं दी। अरे सभा में इतने दास दासी सेवा के लिए सावधान खड़े रहते हैं कि कोई आज्ञा मिले मालिक की, पर किसी सेवक को आज्ञा न दे के मुझे इस आज्ञा दी है प्रभु ने पानी लाने की, इसका मतलब कोई विशिष्ट विभूति है। रुक्मणी भीतर गई और भगवान सुदामा जी के सिंहासन में नीचे चरणों में बैठ गए। सुदामा जी बार बार निकट साथ बैठाने की चेष्टा करते हैं पर भगवान चरण पकड़ के ऐसे बैठ गए कि छोड़ते ही नहीं। तो सुदामा जी विवश हो गए। भगवान ने अपनी भुजा से दोनों चरण उठा के गोदी में धर लिए। पीताम्बर जो गिर गया था उसे उठा करके भगवान धीरे धीरे सुदामा जी के चरणों में लगी धूल को झाड़ने लगे। चरणों की धूल झाड़ते झाड़ते प्रभु का कर कमल जैसी सुदामा जी के पाद तल पर गया, चरणों के तलवे पर गया, तब देखा कि कितने कांटे लगे हुए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं और कितने फपोले पड़े हैं जिसका सुदामा जी को भान ही नहीं। लंबी यात्रा से छोटे छोटे फपोले हैं, उनमें कई फूट गए हैं, कई फपोलों के भीतर धूल कण भर गए हैं। भगवान कभी कांटा निकाल लेते हैं तो रक्त निकल पड़ता है। जब ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के चरण तल को देखा तो द्वारकानाथ इतने द्रवीभूत हुए कि जब तक रुक्मणी पानी लेके पधारती तब तक तो भगवान के दोनों नयनों से गंगा यमुना की जलधारा बह गई और इतना जल बरसा कि सुदामा जी के दोनों चरण ही पूर्ण रूपेण प्रक्षालित हो गए। बोल दीन बंद भगवान की जय। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुंजोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आई तेन किते दिन खोई। देख सुदामा की दीन दशा तुको हाथ छोने, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर क्षण,
कमल जैसे विशाल नयनों से नीर प्रवाहित हुआ और सुदामा जी के दोनों चरण धुल गए। प्रीतो विमुन चयन बिंदु, प्रेम के जल बिंदु बरस रहे हैं और सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। इतने में आगे पानी लेके भागती हुई रुक्मिणी, पर पानी का कार्य पूर्ण हो चुका था, हाथ में जल पात्र लिए रुक्मिणी खड़ी खड़ी देखती रह गई। मन ही मन विचार करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हते नाधमेन च। संसार में जिसको लोग गर्हित कहते हैं, निंदनीय, दरिद्र कहते हैं और उससे दूर रहते हैं, दरिद्र को कोई अपनाना नहीं चाहता, कोई उसके पास जाना भी पसंद नहीं करता, एक दरिद्री बोला, भो दारिद्र नमस्तुभ्यम सिद्धोहम पद प्रसादतः, हे दरिद्रा देवी, तूने मुझे दिव्य सिद्धि प्रदान कर दी। कौन सी सिद्धि दे दी? बोले, पश्यामि जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चना, मैं ऐसा सिद्ध हो गया कि मैं सबको देख सकता हूं, मुझे कोई नहीं देखता। पश्यामि जगत सर्वम, मैं सबको देखता हूं पर नमाम पश्यति, मुझे कोई नहीं देखता। दरिद्र पर किसका ध्यान जाता है? कौन देखता है? वो टुकुर टुकुर आसान्वित होकर सबको देखता रहता है। कोई आवे, किसी का ध्यान आवे, कोई मुझ पर कृपा करे। दरिद्र तो अभिलाषी होता है कि कोई देखे, पर उसको कोई देखता नहीं। तो गर्हिते नाधमेन च, दुनिया जिसको गर्हित कहती है, ठुकराती है, दृष्टि भी जिस पर नहीं डालती, ऐसे इस दीनहीन को मेरे द्वारकानाथ प्रभु ने आज कितना दिव्य सम्मान दिया है, निज सिंहासन पर बैठा। अरे, इतना आदर तो अपने बड़े भैया दाऊ दादा कभी कभी नहीं किया, जो इस महापुरुष का प्रभु इतना सम्मान कर रहे हैं, कितना पुण्य आत्मा होगा ये। बड़े बड़े महापुरुष अष्टांग योगों की सिद्धि करके समाधि में स्थित होकर के भगवान मेरे प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हैं, और ऐसे मेरे प्रभु अपने नयन जल से इस महापुरुष के चरण धो रहे हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम, कौन सा पुण्य किया होगा इस महा अवधूत ने? भगवान ने नेत्र जल से ही चरण क्यों धोए? मानो प्रभु ने विचार किया, मित्रवर, तू इतना तपस्वी ब्राह्मण है, मेरी समझ में नहीं आता कि तेरे चरणों को किस जल से धोऊं। सर्वोत्तम तो गंगा जल होता है, पर गंगा जल तो मेरे चरणों से ही प्रकट हुआ है, भगवत चरणारविंद से ही तो भगवती भागीरथी का प्राकट्य हुआ है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने चरणों तक से तेरा चरण कैसे धोऊं? और उससे श्रेष्ठ जल कोई है नहीं, इसलिए नयनों से ही भगवान ने एक अलौकिक नीर प्रवाहित किया और उस दिव्य जल से सुदामा जी के चरणों को धो करके प्रक्षालित किया। चरणों तक भगवान ने स्वयं ग्रहण किया और रुक्मिणी को देते हुए कहा, देवी, इस पवित्र पावन जल से मेरे संपूर्ण भवन को आज पावन कर दो। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान लोक पावन है। परीक्षित, जो भगवान समस्त लोकों को पवित्र करने में समर्थ हैं, वो आज स्वयं सुदामा जी के चरणोदक से अपने को पवित्र कर रहे हैं। अरे, जिन प्रभु का एक बार कोई स्मरण कर ले तो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से वह परम पवित्र हो जाता है। इसलिए प्रत्येक शुभ कर्म में ब्राह्मण लोग एक ही मंत्र सबसे पहले बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुण्यदीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। जहां पुण्यदीकाक्ष भगवान का स्मरण किया, बाह्य आभ्यंतर भीतर और बाहर दोनों प्रकार से परम पवित्र हो गया। तो जिनके स्मरण से जीव पवित्र हो जाता है, वो भगवान आज सुदामा के चरणों तक से अपने को पवित्र बना रहे हैं। अग्रहीत सिरसा राजन भगवान लोक पावन। प्रभु ने देखा
मेरा सुदामा सखा सिंहासन पर सहमा सकुचा बैठा है, मेरे से खुलकर के बात यहाँ नहीं कर पाएगा। तो हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत थके हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा विश्राम कर लो। हाथ पकड़ के भीतर ले गए, तुरंत दिव्य स्नान करा के, नूतन वस्त्र धारण करा के, विविध व्यंजनों का भोजन पवा करके, धूप आदि से आरती उतार करके, धूप निवेदन किया, आरती उतारी, भोजन के बाद तांबूल निवेदन किया, खिला पिला करके सब प्रकार से प्रसन्न कर दिए सुदामा जी, और तब निज सैया पर ले जा करके भगवान ने विश्राम कराया। जबकि आने वाले अतिथियों के लिए अतिथि गृह अलग बना हुआ है महलों में, और भगवान सुदामा जी को अतिथि गृह में नहीं ले गए, निज सैया अपने पलंग पर ले जा करके विश्राम कराए। और जैसे सुदामा जी लेटे तो भगवान चरण दबाने बैठ गए। रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ी, मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं दासी भी तो कुछ सेवा कर लूं, क्या सेवा करूं। तुरंत हाथ का पंखा लेके रुक्मणी स्वयं आकर के पंखा झलने लगे। देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजने नमई। कौन कहेगा सुदामा दरिद्र है भाई, जिसकी चरण सेवा स्वयं नारायण कर रहे हैं और भगवती लक्ष्मी जिसके लिए पंखा झल रही है, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है। लक्ष्मी जिस पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाए, लक्ष्मी जिसकी तरफ से दृष्टि घुमा ले वो बेहाल हो जाए, ऐसी भगवती साक्षात लक्ष्मी वो आज दासी की तरह पंखा झल रही है सुदामा की सेवा में, और लक्ष्मी का पति नारायण आज चरण दबा रहे हैं। कैसा दिव्य सौभाग्य सुदामा को प्राप्त की हुआ आज। प्रभु ने देखा कितनी देर हो गई मेरे सखा को मेरे बीच आए, परंतु एक आवाज इसकी वाणी से नहीं निकली। सुदामा जी इतने घबराए हो गए हैं कि हिम्मत नहीं कर पा रहे गोविंद से कुछ बात करूं, क्योंकि इतना विशाल ऐश्वर्य भगवान का, पूरी स्वर्ण नगरी द्वारिका इसके मालिक हैं, कैसे बात करूं मैं। अब वो बचपन का सखा थोड़ी है मेरा, राजा धिराज हो गया। तो भगवान ने सुदामा जी का संकोच मिटाने के लिए एक प्रश्न पूछ दिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ आर्योढा सद्रसीनवा। मित्रवर, बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। तुम्हें तुम्हारे स्वभावानुकूल कोई भारिया प्राप्त हुई। इस प्रश्न को सुनकर के सुदामा जी थोड़े से मुस्कुराए और गोविंद को आंखें आंखों में इशारे करके बोले, भैया कन्हैया, या के अलावा पूछवे की और कोई बात ना मिली का। मेरे विवाह की तो बड़ी चिंता पड़ी है। भगवान हंस करके बोले, मित्र मुझे याद है कि गुरुकुल में जब भी आप कोई चर्चा करते थे तो बाबा बैरागियों की बातें ही बहुत करते थे, संसार की बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मुझे संदेह है कहीं महात्मा ही तो नहीं बन गए। सुदामा जी बोले, कन्हैया भैया, बाबा तो ना बने हैं तो गृहस्थ, तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसोई नाम वैसोई काम, बहुत सीधी सच्ची ब्राह्मणी है कन्हैया, तो जीवन की गाड़ी बड़े आनंद के साथ चल रही है। अच्छा कन्हैया, विवाह तो अब तक तेरों भी है गयो हो वो। भगवान बोले, अब मेरी मत पूछो मित्र, बाद में सब बताएंगे, और ये बात हमें आज बिल्कुल अच्छी ना लग रही कि तुमने चुपचाप विवाह कर दियो, मुकू अपन सूचना तक ना भेजी। अरे कन्हैया तू रहन दे भैया, तू बुलावो कोई हंसी खेले, आज हम जाने कैसे कैसे तेरे से भेंट भई है। अच्छा एक बात बता, दोनों मित्रों में अब थोड़ी घुल मिल करके बातें प्रारंभ हो गई। बचपन का मित्र बुढ़ापे में यदि मिले तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस लौट आता है, न जाने कहां कहां की बातें याद आने लगती।